अरे कूदो यमुना में कन्हैया भैया लेके मुरली, कूदो यमुना में कन्हैया भैया लेके मुरली, चढ़ गए। और चढ़ने के बाद में भगवान ने छलांग लगाई और काली कुंड में कन्हैया कूद गए। जैसे ही कूदे हैं दामा दौड़ करके घर आया, मैया यशोदा के पास में बोला, मैया जरा सी बात पर कन्हैया रोष्ट हो गया और गेंद की बात क्या कर दी मैंने, काली कुंड में कूद गया। वारी माताओं, अकेले कन्हैया मैया यशोदा के, मैया यशोदा ने कन्हैया को 85-85 वर्ष की उम्र में पाया था। जब मैया यशोदा को मालूम पड़ा कि कन्हैया काली कुंड में कूद गया, क्या दशा हो गई मैया की। यशोदा चिल्लाई धाड़ मारी, ओ मेरे छैया कहाँ गए, अरे नंदन छाती पीट कही मेरे कुमर कन्हैया कहाँ गए। ये क्या हुआ, कहाँ चले गए श्याम, यशोदा चिल्लाई धाड़ मारी, ओ मेरे छैया कहाँ गए, और नंदन छाती पीट कही मेरे कुमर कन्हैया कहाँ गए। वृंदावन वाले बोल पड़े, ओ ब्रज रखवाले कहाँ गए, अरे श्यामा गैया रोन लगी, ओ मुरली वाले कहाँ गए। मैया यशोदा आ गई यमुना के किनारे, रोने लगी, नंद बाबा छाती कूट कूट करके रो रहे हैं, श्याम कहाँ चले गए। इधर भैया मैया यशोदा ने यमुना में कूदना चाहा, आत्महत्या करनी चाही, बलराम जी ने रोका, मैया रो क्यों रही है, अरे वो आदमी नहीं है, वो नारायण है, अभी गए हैं 2 मिनट में बाहर आ जाएंगे। मैया बोली, लाला वो तेरे लिए नारायण होगा पर मेरे लिए तो मेरा श्याम है, मेरा बच्चा है। इधर भगवान कन्हैया अंता स्थल में पहुंचे, कहां, नीचे तरगल में। भगवान ने देखा है कि कालिया नाग सो रहा है, नागिनियां पैर दबा रही हैं, और जो भगवान को आता हुआ नागिनियों ने देखा, नागिनियां बोली, बहना सारी बातें छोड़ो, ये लड़का पानी में जिंदा कैसे है, क्योंकि हम तो जलचर जीव हैं, जल में सांस लेने वाले हैं, ये तो बाहर की वायु के दम पे जीवित रहने वाले प्राणी हैं, ये जल के अंदर जिंदा कैसे है। दूसरी बोली, बहना ये कोई साधारण लड़का नहीं है। भगवान सामने गए तो लड़कियां बोली, क्यों, कौन है तू, देखने में बड़ा सुंदर है लेकिन बड़ा शरारती है, चला जा यहां से। अरे सुकर मना, अभी मेरे पति सो रहे हैं, अगर जग गए ना तो एक ही फसकार में हड्डियों का ढांचा पड़ा नजर आएगा। भगवान बोले, चुप रहे, चुप रहे, अरे तू जिस नाग की बड़ाई सुना रही है ना, हम उसी से मिलने आए हैं, एक काम कर। क्या, अरे दे जगा तनिक अपने पति को, और हमें बात उसी से करना है। भगवान कन्हैया बोले, नागिनियों
ये जिसकी तुम बड़ाई सुना रही हो ना, ये नाद की, हम इसी से मिलने आए हैं। जगह जगा दे, मैं देखता हूँ तेरे नाक में कितनी ताकत है। अब क्या बोले भगवान, बंसी वाले हैं और बंसी यहाँ बजाए, भगवान कन्हैया बोले चल अपने नागों को जगा, देखता हूँ कितनी ताकत है। लड़कियां बोले बहुत लंबी लंबी बातें आ रही हैं, नहीं जगाया। तो आगे बढ़ी के श्याम ने, खुद भगवान कन्हैया ने आगे बढ़कर श्याम ने, बाकी तुमको दियो दबाए, अब फुंकारी भरता हुआ उठो नाग सन्नाए। भगवान ने आगे बढ़ के कालिया नाग की पूंछ पर पैर रख दिया, कालिया नाग फनफना के खड़ा हो गया, लपेटा मार लिया, नागिनियां डर गई। बालक कितना सुंदर था, हमारे मना करने पे नहीं माना बहना, अब तो हमारे पति से पक्का मार देंगे। लेकिन ठहरे भगवान, शरीर को गर्म कर दिया, कालिया नाग दूर भगा, और फंदे के बीच से निकल करके भगवान सीधा फन पे जाके बैठ गए, और दोनों तरफ से मुट्ठी से फन को दाब करके घुसा मारा, और नथनी को चिटका करके कालिया नाग को नाथ दिया। बोलिए कन्हैया लाल की। और कालिया नाग को नाथने के बाद में भगवान ने क्या किया, अरे काली नाग के फन पे नाचे उसके ऊपर नाचने लगे। लड़कियां जो नागिनियां हैं, दोनों हाथ जोड़ करके बोली, महाराज हम तो तुम्हें एक साधारण सा लड़का समझ रहे थे, माफ कर दीजिए। जल में रहने वाले जीव हैं, हल्की सी हलचल होती हम लोग क्रोध में आ जाते हैं। देखा होगा सांप चाहे कितनी भी दूर हो, जरा सा पत्ता हिलता है तो वो फन फैला लेता है। इसीलिए महाराज हमसे गलती हो गई, हमें माफ करिए, हमारे पति को छोड़ दीजिए। लेकिन भगवान नहीं माने, नाचते जा रहे हैं, कालिया नाग का फन फट गया, खून पे खून गिर रहा है, और वो खून पानी में मिलके जब ऊपर पहुंचा, मैया यशोदा ने देखा तो छाती फट गई। मैया ने सोचा मेरा श्याम दुनिया से चला गया, लेकिन नीचे कुछ और ही चल रहा है। अरे ताता थैया, ताता थैया, मारो सो
नागिनियों ने जब प्रार्थना की, भगवान बोले रुक जाओ, छोड़ तो देंगे, एक हमारी शर्त है। कैसी भगवान? ए कालिया नाग, जब से तू इस यमुना में आया है ना, तो तेरे जहरीले पानी को पी करके वृंदावन की हजारों गाय मर गई, हजारों पक्षी मर गए, हजारों वृंदावन के प्राणी मर गए। इसलिए काम करो, 1 करोड़ नील कमल के फूल निकाल के लाऊ जो मामा जी ने मंगाए हैं, और फिर वो तामा की गेंद ला के दो। तीसरी बात, तुम ये सौगंध खाओ कि यहाँ रुकोगे नहीं, इस स्थान को छोड़ करके तुम रमणक द्वीप यानी नागालैंड के लिए चले जाओ। कालिया नाग बोला, महाराज वहां पे रहते हैं गरुड़ महाराज, मेरा तो भक्षण कर जाएंगे। बोले परेशान ना हो, तुम्हारे माथे पर मेरे पग चिन्हों के निशान है, गरुड़ तुम्हारा कुछ नहीं करेगा, चलो यहाँ से निकलो। आज उसे छोड़ा और सारा साजो सामान लेकर के भगवान ऊपर आए, और आने के बाद में मैया यशोदा से मिले। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार भगवान कन्हैया ने 1 करोड़ नील कमल के फूल कंस की सभा में भेज दिए। आज कंस फिर भगवान कन्हैया के आगे झुक गया। अब आइए आगे का चरित्र है गोवर्धन पूजा का। ताली बजा के कीर्तन बोले, उसके बाद में देखते हैं गोवर्धन पूजा की ओर। ताली बजा के ना करें, आधे जने तो टप्पा ही समूह फैला रहे हैं, ऐसो ना करो, शांति में बैठो ढंग से। देखो तुम लोग फुर्ती में बैठोगे तो हमारे अंदर भी फुर्ती आएगी। अब तुम्हें क्या कहा, ये हमारे संगे जो बैठे इनके मुंह देखो, ये ना लग रहा ये आदमी है, देखो ये तब तक भी दगने में नहीं जाने के मुझे, हम मरे काहे के मरे, एक बार तो मरे जा रहे हैं, एक कौन के अंदर फुर्ती ना है। भगवान बोलिए, एक शंकर जी का मंदिर होवे गौरा मैया संग में, और अरे गणेश जी पहरावे होवे ऐसी आए रही दिल में, सो